कैसे हैं आप सब? आज एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट वीक हमारी लास्ट क्लास होगी जो डिजिटल मार्केटिंग है इसकी, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों में से अगर तो किसी स्टूडेंट ने सॉफ्ट स्किल्स के लिए भी लास्ट 2 वीक्स जो होते हैं कोर्स के, जो सॉफ्ट स्किल्स खाई जाती हैं, अगर तो किसी स्टूडेंट ने उसके लिए अप्लाई किया हुआ है ना, तो वो मुझे जरा चैट बॉक्स में बताए कि जिसने सॉफ्ट स्किल्स भी लर्न करनी है वो वाले स्टूडेंट्स। ओके, देखें ये जो लास्ट वीक है इसमें तो हमारी ये 2 क्लासेस होंगी। आज एक आज है और एक हमारी कल होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीक में 14 अगस्त है, तो 14 अगस्त से पहले 13 अगस्त को हमारी लास्ट क्लास होगी डिजिटल मार्केटिंग की, ठीक है। और उसके बाद जो है ना सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस स्टार्ट होंगी, 2 वीक्स तक वो होंगी। और कुछ अगर तो किसी कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस भी अटेंड करे ऑनलाइन, तो वो ना मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता दे बाद में, या फिर क्लास के एंड पे बता दे, ठीक है। अभी तो आप अच्छे से सोच ले कि आप चाहते हैं लेना या नहीं। अगर तो आप लेना चाहते हैं ना, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, चैट बॉक्स में बता दीजिएगा, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके जल्दी बता दीजिएगा कि अगर आपने ऑनलाइन अटेंड करनी है तो, ठीक है। ओके, अब ये देखिए हमने ना लास्ट टाइम लीड्स एड जनरेट की थी, तो उसमें हमने जो फॉर्म बनाया, ठीक है। अच्छा ये देखिए हमने जो लीड्स का फॉर्म जनरेट किया था ना, वो फॉर्म मैं आपको एक मतलब बता देती हूँ दोबारा से, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट फॉर्म आपको चलती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखिए ये बर्गर मेन्यू पे हमने क्लिक करना है। पहले मैंने जब आपको सिखाया था ना, तो हमने डायरेक्ट एड्स मैनेजर पे क्लिक किया था, ठीक है। लेकिन ना ये जो काम है, हम जो एड्स जनरेट करते हैं ना, वो एड्स मैनेजर से ही बेसिकली जनरेट होती हैं। तो लेकिन हमारे जब जब हम फेसबुक बनाते हैं ना, फेसबुक का हमने अपना प्रोफाइल बनाया होता है, तो उसमें एक हमारा पर्सनल एड्स मैनेजर पहले से फेसबुक ये हमें प्रोवाइड करता है। ये देखिए ये पर्सनल है, ये हर एक के पास अपना अपना होता है, मतलब हर एक के फेसबुक प्रोफाइल में ना अपना अपना एड्स मैनेजर होता है। तो इस पे क्लिक करके कोई भी अपनी एड जनरेट कर सकता है। मींस अगर किसी ने अपना एक फेसबुक पेज बनाया ना, तो वो उस फेसबुक पेज के ऊपर कोई भी उस फेसबुक पेज की एड रन करना चाहता है, उसकी किसी पोस्ट की एड रन करना चाहता है, तो वो यहाँ से कर सकता है। तो इसके एड्स मैनेजर एक तो आपको यहाँ से ऑप्शन शो हो जाता है, इसके अलावा ना अगर अभी मेटा बिजनेस सूट लिखा हुआ ना इस पे क्लिक करें, तो इसमें भी एक एड्स मैनेजर का ऑप्शन आएगा। दोनों सेम है, मीन्स आप चाहे तो यहाँ से भी मेटा बिजनेस सूट में अंदर जाए, और यहाँ से आप ये ऑल टूल्स पे जाके एड्स मैनेजर ओपन करें, वहां से भी एड रन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों है सेम है, काम दोनों का सेम ही है। अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ना एक ये जो मेटा बिजनेस सूट है ना, इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो हमारे बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो आज मैं पहले आपको लीड जनरेशन का जो फॉर्म है ना वो बनाना सिखाने के बाद, आपको मेटा बिजनेस सूट के जो बाकी ऑप्शन है ना जो फेसबुक हमें प्रोवाइड करता है हमारी फैसिलिटेट करने के लिए, वो सारे थोड़े से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हम उनका क्या काम है, ठीक है। और दूसरी एक और बात मैं आपको ये बताती चलूँ जब तक कि पेज लोड हो रहा है, तब तक कि जो हमारा पर्सनल एड अकाउंट है ना, एड मैनेजर है जिसके थ्रू हम अपने पेज की एड रन करते हैं, वो वाले इसके थ्रू आप जस्ट अपने पेज की एड रन कर सकते हैं, क्योंकि हर एक के फेसबुक प्रोफाइल के अंदर अपने अपने एड मैनेजर होते हैं, हर एक के अलग से वो पर्सनल एड मैनेजर है, वो हर एक अपने प्रोफाइल से अपने एड मैनेजर के थ्रू अपने पेज की ही एड रन कर सकते हैं, किसी और के पेज की एड्स नहीं रन कर सकते। लेकिन हमने ये देखा होगा कि जो डिफरेंट एजेंसीज हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, वो किसी की भी एड रन कर रही होती है ना, मतलब जैसे लोगों ने बहुत सारे लोगों ने अपने अकाउंट पेजेस बनाए होते हैं, बिजनेस पेज फेसबुक पेजेस बनाए होते हैं, तो वो लोग जिन्हें खुद से अपनी एड रन करनी नहीं आती, वो इन एजेंसीज के थ्रू अपनी एड्स रन करवाते हैं। तो अब वो एजेंसी इनकी एड कैसे रन करेंगी, वो अपने पर्सनल एड मैनेजर के थ्रू तो नहीं ना इनकी एड्स रन कर सकती, तो उसके लिए ना एक बिजनेस मैनेजर का ना अकाउंट होता है, वो अलग से बनाना पड़ता है। उसके थ्रू जब कोई कोई भी एजेंसी, हर एक एजेंसी ने ना अपने वो बिजनेस मैनेजर्स के अकाउंट्स बनाए होते हैं, उनके थ्रू वो दूसरे लोगों के जो जो है ना पेजेस की असेस लेकर फिर उनकी एड्स को रन करते हैं। तो आज हम बेसिकली जो जो हमारा लेक्चर है ना, ये हमारा जो पर्सनल एड्स मैनेजर है इसका लास्ट लेक्चर है। हम इसके ऊपर एड जो है हमारी रिजर्वेशन की एड जो है कंप्लीट करने के बाद इसकी जो ऑप्शंस है वो देखेंगे, और इंशाल्लाह कल हम ना जो बिजनेस मैनेजर है जिसके थ्रू हम दूसरे लोगों की एड्स भी रन कर सकते हैं ना, वो हम सीखेंगे कि हम उसको कैसे
उसके अंदर अकाउंट बना सकते हैं, और उसके अंदर फिर हम दूसरे पेजेस की एक्सेस कैसे लेके उनके ऐड रन कर सकते हैं, ठीक है। ऐड रन करने का मेथड उसमें भी सेम ही है, जैसे हमने इसके अंदर एड्स डिफरेंट गोल्स पढ़े, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं ना, कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं ऐड रन करने के, सारे सेम यही ऑब्जेक्टिव उसमें भी होंगे, और सेम इसी मेथड से ही उसमें भी ऐड रन होगी। लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि आपने उसमें अगर किसी और की ऐड रन करनी है तो आपने उसके पेज की एक्सेस लेनी है और फिर ऐड रन होगी, ठीक है। तो उसमें जैसे हम एक अकाउंट क्रिएट करना है बिजनेस मैनेजर का, और फिर उनकी एक्सेस लेने के बाद काम होता है। तो बेसिकली आज हम ये कंप्लीट कर लेते हैं इंशाल्लाह, और इसके बाद मैं आपको ना लेक्चर के एंड में अगर तो टाइम बचा ना तो मैं आपको तो बता दूंगी कि आपने बिजनेस मैनेजर का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, अगर तो बचा तो, अदरवाइज फिर हम कल कर लेंगे वो, ठीक है। तो अभी फिलहाल ना ये देखिए, अब यहाँ से हमने ना लास्ट टाइम अपना ना लीड जनरेशन का हम बना रहे थे कैंपेन, तो उसके अंदर हमने, अच्छा स्टूडेंट्स आप ये ध्यान रखिएगा कि जो आपकी डेट्स है ना, स्टार्टिंग ऐड के स्टार्ट होने की डेट और ऐड के एंड होने की जो डेट्स है ना, वो कमिंग डेट्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आज 6 है ना, तो मैं 7 अगस्त कर देती हूँ। अगर आप ये नहीं करोगे ना तो फिर फेसबुक एरर देता है। अब मैं जो मतलब इसकी एंडिंग डेट है वो भी मुझे, इसकी जो आने वाली डेट्स है उनमें से कोई होनी चाहिए, यानी कि कोई जो डेट पास आउट हो चुकी है आप वो सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो फिर फेसबुक एरर देगा आपके ऐड रन करने में। तो अब मैं फॉर एग्जाम्पल मैं 7 से स्टार्ट करके 4 10 तक कर लेते हैं, तो फिर आप अगर आपने डेट से सिलेक्ट किए हैं तो फिर एरर नहीं आता, ठीक है, फॉर्म जनरेट करना। अच्छा यहाँ पे आपने अपने फॉर्म के बैक साइड पे जो बैक इमेज आप शो करवाना चाहते हैं वो इमेज अपलोड करना है, वो मैंने अपलोड किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपने इसका प्राइमरी टेक्स्ट देना है, जो प्राइमरी टेक्स्ट जो है ना वो आपके इमेज के ऊपर टॉप पे शो होता है, ठीक। ये वाला जो गेट योर ब्यूटीफुल ड्रीम हाउस इन अ पीसफुल एरिया विद जस्ट 10% एडवांस इन 5 ईयर्स, इजी टू पे इंस्टॉलमेंट प्लान। अच्छा एक बात आप याद रखिएगा, जब आपने प्राइमरी टेक्स्ट ऐड करना है ना, उसके अंदर कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट आपका होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा यूनिक हो, यूनिक चीज आप प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को जो उन्हें अट्रैक्ट करे आपकी सर्विसेज की तरफ या आपके प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है। जैसे इसमें हमने कहा कि जस्ट आपने 10% एडवांस में पे करना है, और 5 ईयर्स का इंस्टॉलमेंट प्लान है, तो ये एडवांस हमने थोड़ा कम शो करवाया। अगर तो कोई कहे कि 50% एडवांस में पे करना है या 60%, तो वो लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा पे करना, तो इसलिए यहाँ पे हमने उनको एक यूनिक सेलिंग पॉइंट दिया कि ये आपके लिए जिससे लोग अट्रैक्ट हो हमारी एजेंसी की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जब भी अपना ये प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है उसके अंदर एक यूनिक सेलिंग पॉइंट जरूर लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमने हेडलाइन देनी है, हेडलाइन के अंदर हमने ये हेडलाइन में भी हमने कोई अच्छी ऑफर जरूर देनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 25% ऑफ लिख दिया कि लोग जो है वो अट्रैक्ट होंगे, भी हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो वो जरूर आपकी एजेंसी से कॉन्टेक्ट करेंगे, ठीक। इसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन देनी है। आप ये देखेंगे ये जो यहाँ पे हेडलाइन के नीचे डिस्क्रिप्शन आती है, तो वो हमने हाउसेज इन नेचुरल इन्वायरमेंट लिख दिया कि जो हम जो हाउसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके इर्द गिर्द नेचुरल इन्वायरमेंट होगा, ग्रीनरी वगैरह होगी, ठीक है, इस तरह से। और फिर कॉल टू एक्शन होता है कि आपने अपने जो एड है ना उसके नीचे एक बटन लगाना होता है बेसिकली, ठीक है। वो बटन उस बटन पे क्लिक करके कोई जो है ना कोई एक्शन परफॉर्म कर सकती है ऑडियंस आपकी। तो यहाँ पे हम बुक नाउ का बटन लगाया हुआ है, इसके अलावा जो है ना और भी बटन्स यहाँ पे आप देखें शो हो रहे हैं, तो इनमें से कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन बेसिकली हमने तो अपनी जो है ना एड एजेंसी एक रियल एस्टेट एजेंसी की रन करनी है, तो उसमें लोग अपने प्लॉट्स को परचेज करते हैं या हाउसेस को, तो वो इसलिए हमने बुक नाउ का करवाया है कि वो अपना प्लॉट बुक करवा लें या हाउस है वो बुक करवा लें, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ से हमने एक इंस्टेंट फॉर्म बनाना है, यानी ऐसा फॉर्म के आपकी एड के ऊपर जब भी कोई क्लिक करे तो उसको एक फॉर्म शो होगा, उस फॉर्म के अंदर वो अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करेगा, उस इन्फॉर्मेशन में हम उससे उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बेसिकली लेते हैं, उसका हम फोन नंबर ले सकते हैं, ईमेल एड्रेस ले सकते हैं, ताकि हम उनको इसके थ्रू कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि अब जो रियल स्टेट बिजनेस है इसमें कोई भी डायरेक्टली आपकी पिक्चर देख के आपको ऑर्डर नहीं आपसे हाउस नहीं परचेज करेगा, बल्कि पहले वो आपसे बात करेगा, और जब आप उसको थोड़ा सा कन्विंस करेंगे कि आप अगर फॉर एग्जांपल उसको जो नीड्स हैं उसके मुताबिक होगा वो घर के, अगर उसकी नीड है कि उसको एक ऐसे एरिया में घर चाहिए जहाँ पे स्कूलिंग फैसिलिटीज हो, अच्छे कॉलेजेस हो, अच्छी यूनिवर्सिटीज हो जिस एरिया में, और इसके अलावा हॉस्पिटल्स करीब पड़ते हो,
अगर तो वो आपसे फोन से पे फोन कॉल पे बात करके इन फैसिलिटीज के बारे में कंफर्म करेगा, उसके बाद ही वो विजिट करेगा उस प्लेस को, उस हाउस को, और उसके बाद वो जो है ना वो आपसे आपकी वो चीज़ परचेज करेगा, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपने पहले फॉर्म एक हम शो करवाते हैं, ताकि जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो ये लोग फॉर्म फिल कर देते हैं, और फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो फिर ये एजेंसी जो है फोन कॉल्स करके थ्रू उनके साथ बात करती है, ठीक है। तो हम यहाँ से ना फॉर्म क्रिएट, अच्छा अब देखिए फॉर्म्स के नीचे ना थ्री ऑप्शंस आ रही हैं फॉर्म टाइप की, इसकी फॉर्म टाइप की थ्री ऑप्शंस हैं, थ्री टाइप के हम फॉर्म्स जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। एक तो है मोर वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि ये वाला फॉर्म जो होता है ना, ये मोबाइल फोन फोन के ऊपर इजीली ओपन हो जाता है, अगर ऐड के ऊपर जब मोबाइल पे कोई भी इंसान फेसबुक देख यूज कर रहा है तो उसको ऐड शो हुई, उसने ऐड पे क्लिक किया, उसको फॉर्म शो हुआ, उसने मोबाइल पे ही उसको फिलआउट किया और मोबाइल पे ही उसको इजीली सबमिट कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए ज्यादातर लोग जो है ना फेसबुक को मोबाइल पे ही यूज करते हैं ना, तो अगर तो हम लोग ने मोबाइल के थ्रू किया हुआ है तो ज्यादातर लोग मोबाइल ओपन करेंगे और मतलब मोबाइल के थ्रू ही आपका फॉर्म्स को सबमिट करवा देंगे, तो ज्यादा ज्यादा वो फॉर्म्स जो है वो सबमिट होंगे, तो इसलिए इसका नाम मोर वॉल्यूम है कि ज्यादा क्वांटिटी में फॉर्म्स जो है वो सबमिट होंगे इसके थ्रू। और सेकंड है हायर इंटेंट, इसका मतलब क्या होता है, तो आपने ये वाला सिलेक्ट किया ना, इसमें होता है कि यूजर अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करेगा, और जब उसने पूरी इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद इसको सबमिट पर क्लिक किया तो उसको उसकी इन्फॉर्मेशन रिव्यू के लिए शो होगी, यदि वो इमेल उसको रिव्यू करे दोबारा से देखिए कि उसने सही इन्फॉर्मेशन पुट की है, अगर तो ठीक है तो वो फिर सबमिट कर दे, अदरवाइज मतलब रिव्यू करने के बाद उसको कोई एरर लगा है तो वो उसको ठीक करे और फिर उसको सबमिट करे, ठीक है। तो ये जो हायर इंटेंट वाला है ना, इसके अंदर पहले एक रिव्यू का स्टेप आता है, उसके बाद वो सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और ये थर्ड वाला है रिच क्रिएटिव, इसके अंदर ये होता है कि आपने अपनी एजेंसी के बारे में ना कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा आपने अपने एड के अंदर शो करवानी होती है, जिसके थ्रू लोग जो है ना वो कन्विंस हो सके कि आपकी एजेंसी के उनके अटेंशन ग्रैब हो आपके अटेंशन एजेंसी की तरफ, और वो कन्विंस हो सके कि आपकी सर्विसेज अच्छी हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो आपसे कॉन्टेक्ट कर सके। तो जब आप ये वाला करते हैं तो इसके अंदर आपने एक तो आपका जो फॉर्म है उसके अंदर एक अबाउट अस का सेक्शन होता है, जिसमें आपने अपने एजेंसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, ठीक है। इसके अलावा प्रोडक्ट की डिटेल्स का या सर्विसेज की डिटेल्स का सेक्शन होता है, और इसके अलावा रिव्यू रिव्यू का सेक्शन भी होता है कि अगर किसी भी ऑडियंस ने आपके फॉर्म को फिल कर दिया ना, तो उसके बाद उसको रिव्यू करेगी और उसके बाद उसको सबमिट करेगी, ठीक है। तो अब ये वाला जो फॉर्म है ना, ये थोड़ा सा बड़ा मतलब थोड़ा लंबा भी हो जाता है, तो आजकल लोगों के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि वो पहले आप इतनी इन्फॉर्मेशन रीड करें, इतना सब कुछ करें, ज्यादातर जो लोग हैं वो मोस्टली जल्दी जल्दी सब कुछ करना चाहते हैं, तो हम लोग ना ये हायर इंटेंट वाले पे ही काम करते हैं। इसमें मीन्स के एक आप शॉर्ट सा फॉर्म बनाते हैं, इसमें जस्ट आपने इन्फॉर्मेशन के तीन या चार फील्ड्स आपने डाले के आप उसका नेम ले, जो भी आपके ऑडियंस आए कस्टमर आए उसका आप नेम ले लें, उसका फोन नंबर ले लें, ईमेल एड्रेस ले लें, और सिटी पूछ लें, ठीक है। ज्यादा अगर आप लंबा फॉर्म बनाएंगे, ज्यादा इन्फॉर्मेशन उसे पूछेंगे, इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने में इतना टाइम लगेगा, तो कोई भी जो शख्स है वो उस इन्फॉर्मेशन इतना ज्यादा वेट नहीं करेगा, वो उसको लीव कर देगा उस फॉर्म को, ठीक है। तो इसलिए फॉर्म को शॉर्ट ही बनाना चाहिए, ठीक है। तो मेरी तीन या चार चीजें हम जस्ट पूछें और सबमिट कर रिव्यू करवाने के बाद उसको सबमिट करवा लें, ठीक है। तो उसके बाद ये आपने जब कर लिया हायर इंटेंट आपने सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ से अपना बैकग्राउंड इमेज दे सकते हैं कि आपके फॉर्म के बैक साइड पे क्या कौन सा इमेज यहाँ पे शो होगा, तो आपने इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे अपलोड इमेज की ऑप्शन आएगी। स्टूडेंट मेरा ना नेट शायद स्लो चल रहा है, इसलिए अभी डिसेबल हुई हुई ऑप्शन। ठीक, क्लास पे ये ना रिकॉर्डिंग एंड होने वाली है, तो मैं इसको एग्जिट करती हूँ, उसके बाद मैं 5 मिनट बाद आपको न्यू लिंक सेंड करती हूँ, तब तक शायद मेरा नेट भी स्टेबल हो जाए, तो फिर ये मैं इमेज दोबारा से अपलोड करूंगी आपके सामने, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमने अपलोड इमेज पे क्लिक करना है, तो और इस पर डबल क्लिक किया तो ये इमेज अपलोड हो जाएगा। पहले ये ऑप्शन जो थी ना वो इनेबल नहीं थी, नेट का प्रॉब्लम था इस वजह से, ठीक है। तो अब ये इनेबल हो गई, तो मैंने यहाँ से अपलोड कर, इसके बाद देखें जो हमने फॉर्म शो करवाना होता है ना, उसके ना उसमें हमने एक ग्रीटिंग मैसेज देना होता है, और उस मैसेज के नीचे हमने डिस्क्राइब करना होता है कि आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है।
तो ग्रीटिंग मैसेज में हम यहाँ पे लिख लें, कुछ भी लिख सकते हैं जिससे आप शो करें किसी को कि आप उसको वहाँ वेलकम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख आपको मैंने ये काम सिखाया हुआ है सारा कि मैं चैट जीपीटी से कैसे करना है, ठीक है। तो चैट जीपीटी से आप हेल्प ले सकते हैं कि आपकी जो है एजेंसी है रियल स्टेट एजेंसी है, उसका नेम उसे बता दें और फिर से पूछ लें कि हमने उसकी एड रन करनी है तो उसके लिए हमें एक हेडलाइन बता दो अच्छी सी और शॉर्ट हेडलाइन और उसके डिस्क्रिप्शन। तो आपको चैट जीपीटी बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, उसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर ले, ठीक है। तो हम मैंने यहाँ पे लिखा है वेलकम टू जीकर हाउसिंग, और फिर डिस्क्रिप्शन को आप टू फॉर्म्स में लिख सकते हैं, या तो आप पैराग्राफ के फॉर्म में लिख रहे हैं या लिस्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो बेसिकली आप देखें यहाँ से पे हेडलाइन शो होनी होती है और हेडलाइन के नीचे डिस्क्रिप्शन आनी है, तो डिस्क्रिप्शन शॉर्ट ही होनी चाहिए, ज्यादा लॉन्ग नहीं होनी चाहिए। तब आप लिस्ट के फॉर्म में दें और तीन चार उसके पॉइंट्स हो तो वो काफी लंबी सी हो जाएगी, और आप तो इससे बेहतर ये कि आप उसको पैराग्राफ के फॉर्म में ही दे दें और शॉर्ट रखें, जितना ज्यादा शॉर्ट आप रख सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हमने हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन देने के बाद ना नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और अब आप अपने फॉर्म के थ्रू अपने जो कस्टमर है ना उससे जो इन्फॉर्मेशन गेट करना चाहते हैं ना आपने वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से वो क्वेश्चंस आपने ऐड करने हैं यहाँ पे, ठीक है। और उससे पहले आपने यहाँ पे ना उसको लिखना है डिस्क्रिप्शन में कि आप उससे क्या कह उसके जो इन्फॉर्मेशन लेंगे उस इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा प्लीज आंसर द क्वेश्चंस बिलो, वी विल कॉन्टेक्ट यू टू शो यू न्यू फ्लोर्स एंड हाउसेस, ठीक है। तो इस तरह से हमने उसको शॉर्टली बताना है कि आप इन्फॉर्मेशन अगर हमें देंगे तो हम उसका यूज कैसे करेंगे, ताकि वो आपको इन्फॉर्मेशन अगर तो इस चीज में इंटरेस्टेड हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन दें, ठीक है। तो हमने उसको बताया कि अगर आप हमें अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे तो जो हमारे पास न्यू फ्लोर्स एंड हाउसेज आएंगे हम उनका भी उनके बारे में आपको कॉन्टेक्ट करके इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो आपने वो लिख ये लिखने के बाद यहाँ पे ना आप जो जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आपने वो ऐड करनी है, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्लिक करना है नीचे और एरो पे क्लिक किया, यहाँ पे देखें अब ये वो पूछ रहे हैं कि आपने क्या क्या कुछ ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने यूजर की इन्फॉर्मेशन में क्या चीज लेनी है, तो अगर फुल नेम लेना चाहते हैं, फर्स्ट नेम देना चाहते हैं या सर नेम, तो हमें फुल नेम चाहिए, तो हम फुल नेम पे क्लिक करेंगे फुल नेम की फील्ड ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हमें और उससे कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में हमें एक तो फोन नंबर चाहिए, इसके अलावा ईमेल एड्रेस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस का भी ऐड हो गया फील्ड, और इसके अलावा हमें उसका सिटी चाहिए, क्योंकि अगर हम पूरे पाकिस्तान में के लिए में एड रन कर रहे हैं अपनी रियल एस्टेट एजेंसी की, तो अब फॉर एग्जाम्पल हमने कोई शख्स इस्लामाबाद में रहता है और वो तो वो मोस्टली हो सकता है कि वो इस्लामाबाद में ही कोई प्लॉट या हाउस देखना चाहता हो, ठीक है। तो इसलिए हम उसका सिटी भी पूछ लेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक सिटी में रहने वाला उसी सिटी में ही हाउस या प्लॉट लेना चाहता हो, वो किसी और सिटी में भी लेना चाहता है हो सकता है। तो इसलिए हमने जस्ट एक अपनी इजीनेस के लिए पूछा है कि वो किस सिटी में रहता है, लेकिन जब हम वो कॉन्टेक्ट करेंगे जाहिर है तो वो उनसे इंफॉर्मेशन लेंगे कि वो किस एरिया में चाहते हैं अपने प्लॉट बुक करना या फिर अपने हाउस लेना, ठीक है। तो अब अपनी यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ऐड किया ना क्वेश्चंस के हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए उसे, तो अब यहाँ पे हमें प्रीव्यू शो हो रहा है कि यहाँ पे उसको शो होगा कि जो हमने ऊपर एक लिखा ना डिस्क्रिप्शन के एंटर कर अपना आंसर करेंगे क्वेश्चंस का, और हम आपको फिर कॉन्टेक्ट करके आपके प्लॉट्स न्यू प्लॉट्स और हाउसेज दिखाएंगे, वो लिखा गया उसके नीचे फोन नंबर और एक नीचे उन्होंने फोन नंबर एंटर योर आंसर के लिए स्पेस छोड़ी हुई है, उसके बाद फुल नेम पूछा है, ईमेल और सिटी, इस तरह से ना फॉर्म शो होगा आपके कस्टमर को, ठीक है। इसके बाद आपने जब नेक्स्ट पे क्लिक किया अब वो आपसे प्राइवेसी पॉलिसी मांग रहे हैं। बेसिकली प्राइवेसी पॉलिसी जो मतलब जो हर एक जो एजेंसी होती है ना उनकी अपनी कुछ पॉलिसीज होती हैं, ठीक है। तो अब हमने जब यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी लिखनी होती है ना तो हम ऑनलाइन जो है ना जनरेट करवाते हैं खुद से प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। तो उसके लिए ना आपने क्या, ठीक है, अब ये जो आ रहा है ना 100% फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, इस पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ से वो आपसे पूछ रहा है कि आपने जनरेट करना है प्राइवेसी पॉलिसी और वो अवेयर विल यू यूज द प्राइवेसी पॉलिसी, आप कहाँ पे इसे यूज करेंगे, अपनी वेबसाइट पे यूज करोगे या ऐप पे। तो अब देखें जो रियल स्टेट वाले उनकी ऐप तो नहीं होती, बेसिकली उनकी वेबसाइट से होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वेबसाइट पे ही क्लिक करेंगे और कंटिन्यू एंड जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे अपनी उनकी वेबसाइट का यूआरएल देना है जो रियल स्टेट वाले आपसे अपनी एड रन करवा रहे हैं उनकी वेबसाइट का, ठीक है। तो हमने इमेजिन किया था कि हम जिस रियल स्टेट का चला रहे हैं ना एड उसका नाम जीकोर हाउसिंग है, ठीक है। तो हमने उसकी वेबसाइट का एड्रेस देना, तो हम यहाँ पे दे देते हैं www.zico
.com, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा व्हाट इज योर वेबसाइट नेम। पहले तो वेबसाइट का यूआरएल है ना पूछा, उसके बाद वेबसाइट का नेम, तो उसमें वेबसाइट नेम इज इक्वल हाउसिंग लिख देंगे। अच्छा ये मैं कुछ हम कुछ इमेजिनरी डाटा यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम बेसिकली किसी एजेंसी के एड रन नहीं कर रहे, लेकिन जब ये मैं सिर्फ आपको सिखा रही हूँ, जब आप किसी भी रियल स्टेट एजेंसी के एड रन करनी होगी आपने, तो बेसिकली उनका डाटा आप उनसे लेके वो ही फिलअप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी इन्होंने पूछा एंटिटी टाइप के, आई एम बिजनेस और आई एम एन इंडिविजुअल, तो आई एम एन इंडिविजुअल पे क्लिक कर दें और एंटर द कंट्री, तो यहाँ पे हम पाकिस्तान को सर्च। अच्छा इसके बाद उन्होंने पूछा है व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशनल पर्सनल इंफॉर्मेशन डू यू कलेक्ट फ्रॉम यूजर्स, के आप अपने यूजर से कौन कौन से पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो हम एक तो ईमेल एड्रेस लेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और फोन नंबर लेते हैं, ठीक है। तो इन तीनों पे हमने क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। अच्छा हाउ कैन यूजर कॉन्टेक्ट यू फॉर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग योर प्राइवेसी पॉलिसी, अगर आपकी प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में वो आपसे कोई क्वेश्चन करने के लिए कैसे आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो हम बाय ईमेल लिख देते हैं, और फिर यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अपनी ईमेल पुट करें, तो हमने वो भी इमेजिनरी ईमेल ही पुट की है, zico@gmail.com। असल में हम उसे जब जिसके एड रन करेंगे उस एजेंसी की ईमेल यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए वो आपसे कह रहा है कि ना आप अगर तो प्रोफेशनल प्राइवेसी पॉलिसी आपने लेनी है ना, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, और अगर आपने वो प्रोफेशनल वाली नहीं लेनी तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर दें, नो आई डोंट वांट अ प्रोफेशनल प्राइवेसी पॉलिसी, तो आपको फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। तो हमें तो फिलहाल फ्री में चाहिए ना, तो हम प्रोफेशनल वाली पे क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे नो आई डोंट वांट अ प्रोफेशनल प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। हाँ वो ये पूछ रहे हैं कि हम आपको प्राइवेसी पॉलिसी किस ईमेल एड्रेस पे सेंड करें, वो ईमेल एड्रेस अपना यहाँ पे पुट करें, तो आपको उस ईमेल एड्रेस पे प्राइवेसी पॉलिसी वो सेंड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई अपना ईमेल एड्रेस पुट करें ताकि वो आपको सेंड करें प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। और यहाँ फिर आपने, ठीक है, अभी उन्होंने ना जो प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट की है ना उसका लिंक भी आपको यहाँ पे दे दिया है, ठीक। और इसके अलावा प्राइवेसी पॉलिसी ये लिखी हुई है साइट पे, उन्होंने प्राइवेसी पॉलिसी है और इसका उन्होंने एक लिंक हमें दे दिया है। और जब हमने यहाँ पे अपनी ऐड क्रिएट कर रहे थे ना, वहाँ पे उन्होंने बेसिकली हमसे हमारी प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक ही मांगा था, तो हम यहाँ से लिंक को कॉपी करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आके हमने अपनी इसका लिंक पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, लिंक का टेक्स्ट देना, मीन्स को कोई भी आप नेम दे दें, तो हम लिख देंगे जीकोर प्राइवेसी पॉलिसी। एक तो प्राइवेसी पॉलिसी, इसके अलावा ना कुछ और भी नोटिस नोटिफिकेशंस वगैरह देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आपने ऐड करना है तो आप कर दें, अदरवाइज आप इसको छोड़ दें, ठीक है। तो हमने फिलहाल इसको, हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है कोई और नोटिफिकेशन, अगर तो आप कस्टमर को कोई और नोटिफिकेशन देना चाहते हैं वो जो एजेंसी है जो रन करिए फोन से पूछ लें, तो अगर तो वो चाहते हैं ना कि कोई स्पेसिफिक नोटिफिकेशन उनको दें, तो फिर वो यहाँ पे वो चीज़ ऐड कर लें। वो बेसिकली ना मोस्टली ये होता है कि जैसे ना जो रियल एस्टेट एजेंसीज होती है उन्होंने जो इमेजेस यूज किए होते हैं, जैसे हमने बैकग्राउंड पे एक इमेज यूज किया था, उसके अंदर एक हाउस बना हुआ था, मतलब जो हम ये ब्रोशर्स हम बनाते हैं, ये एजेंसीज बनाती हैं, उसमें जो इमेज यूज किए होते हैं हाउसेस के, वो वाले रियल हाउस नहीं होते जो वो असल में सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। वो तो इमेजिनरी हाउस है ना, कि उन्होंने जस्ट आपको लोगों को शो करने के लिए कि हम एक रियल एस्टेट एजेंसी है, उसके लिए उन्होंने वो एक इमेज पिक किया और उन्होंने लगा दिया। तो इस यहाँ पे वो इस तरह की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि जो इमेजेस हैं वो आप जस्ट फॉर योर हमारी सर्विसेज को इलस्ट्रेट करने के लिए है, और आप जो जो आप रियल में जो मतलब हाउसेज हैं या फ्लोर्स हैं वो इससे थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। मतलब तो इस तरह के डिस्क्लेमर्स वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हर कंपनी के ना अपने डिस्क्लेमर्स होते हैं, तो जिनकी आप एड हम रन कर रहे हैं ना, हमने बेसिकली उनसे पूछना है कि आप क्या यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। अगर तो वो फॉर एग्जांपल कंपनी है ना, तब वो आपसे कहें कि आप खुद से कुछ सिलेक्ट कर लें, तो फिर आप ChatGPT से लिखवा सकते हैं कि मतलब रियल एस्टेट एजेंसी है, तो उसके लिए हमें हमें एक अच्छा सा डिस्क्लेमर लिख दो, ठीक है। तो वो आपको अच्छा सा लिख देगी, तो आप उनमें से कुछ सिलेक्ट करके वो यहाँ पे लिख सकते हो, अदरवाइज आप एजेंसी से पूछ लें तो वो भी आपको बता सकती है, ठीक है। इसके बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक है, वो हमने ऐड नहीं करना था लेकिन हमने जस्ट इस पे क्लिक कर दिया था, तो अब हम नेक्स्ट पे जा रहे थे ना, तो यहाँ पे एरर दे रहा था, ये देख रहे हैं ये रेड आ रहा है ना, ये एरर आ रहा है, हमें प्रीवियस करके इसको में हमने नहीं ऐड करना, तो यहाँ से रिमूव नोटिस कर दें। अगर तो आपने करना है ऐड तो आप क्लिक करके उसमें ऐड करें, अदरवाइज आप नहीं करेंगे, ठीक है।
अच्छा आप देखें, ये जो रिव्यू स्क्रीन का ऑप्शन, स्क्रीन वाला पार्ट है ना, इसमें आपको आपके जो फॉर्म है ना उसका रिव्यू शो करवा रहा है कि जब कोई भी आपकी ऐड पे क्लिक करेगा ना तो उसको इस तरह से शो होगा। बैक साइड पे ये इमेज आ रहा है, ठीक है, और उसके ऊपर एक ग्रीटिंग ग्रीटिंग मैसेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन है। अब उसके बाद ये जब वो कंटिन्यू पे क्लिक करेगा ना, यहाँ पे बेसिकली वो कंटिन्यू पे क्लिक करेगा तो यहाँ से हमारी सेकंड वाला पेज ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो उससे उसकी इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, उसका नेम, फोन नंबर और फुल नेम वगैरह, ईमेल एड्रेस, सिटी वगैरह, ठीक है। और फिर जब वो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेगा, फिर उसे ये थर्ड वाला पेज होगा, ठीक है, जिसमें उसने रिव्यू करना होगा अपनी इन्फॉर्मेशन का, मतलब जो उसने इन्फॉर्मेशन एंटर की है ना वो उसको यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद उसको नीचे प्राइवेसी पॉलिसी भी शो होगी, और ये फोर्थ नंबर पे उसको एक मैसेज शो होगा ये वाला, ओके, थैंक यू, यू आर थैंक्स, यू आर ऑल सेट, और यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और एग्जिट द फॉर्म नाउ, ठीक है। ये आपको कहाँ से, ये वाला मैसेज कहाँ से आया है ये देखिए, ये जो एंडिंग वाला पार्ट है ना, ये यहाँ से हमें ऐड करना होता है। अब यहाँ पे आपने कोई भी हेडलाइन एंटर करनी है, जो आपने फॉर्म की जब इंफॉर्मेशन अपने अपने यूजर ने पूरी एंटर कर दी है ना, उसके बाद उसे शो होगी, ठीक है। अब जाहिर है आपको अपनी पूरी इंफॉर्मेशन दे दी तो आप उसको थैंक्स ही बोलेंगे ना, तो आपने यहाँ पे लिख देना कि थैंक्स, यू आर ऑल सेट, मीन्स कि आपके सार आपने अपना पूरा जो फॉर्म है वो सही से फिल कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद अब आपने उसे बताना है कि वो क्या कर सकता है, कि आपकी वेबसाइट को व्यू देख ले, या फिर आप उसको ना एक फाइल के फॉर्म में फाइल दे सकते जो जो कि वो डाउनलोड करेगा, और उस फाइल के अंदर उस एजेंसी के बारे में की सर्विसेज और उसकी जो मतलब जो 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 वो प्लॉट्स वगैरह या हाउसेज वगैरह ऑफर कर रहा है उन सब की इंफॉर्मेशन डिटेल्स वगैरह होंगी, ठीक है। या फिर आप उसको यहाँ से बिजनेस उसका जो बिजनेस नंबर उस एजेंसी का फोन नंबर है वो दे सकते हैं कि वो उसको कॉल कर ले, ठीक है। तो आपने सेलेक्ट करना होता है कि मतलब सारी इंफॉर्मेशन को देने के बाद वो जो ऑडियंस है वो क्या करेगी, ठीक है। तो बेसिकली जो मेनली जो ये जो हाउसिंग एजेंसीज होती है ना, मीन्स रियल एस्टेट एजेंसीज होती है, इनकी वेबसाइट जरूर होती है, क्योंकि ये कोई छोटा बिजनेस नहीं है, इनके बहुत बड़े बिजनेसेस होते हैं, तो इन्होंने अपनी वेबसाइट से मोस्टली बनवाई होती है। तो अगर तो वेबसाइट है तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आपने उसको एट द एंड आपने उसको ये कहना है कि हमारी वेबसाइट पे चले जाएं, या फिर आप फोन को एग्जिट कर दें। तो अगर तो वो वेबसाइट पे जाएंगे तो वो आराम से आपकी उनकी जो ज्यादा सर्विसेज है, उनके जो 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 वो प्लॉट्स वगैरह ऑफर कर रहे हैं वो सारी चीजें अच्छे से सर्च आउट कर लेंगे, अच्छे से उनको एक्सप्लोर कर लेंगे, ठीक है। तो आपने ये लिखने के बाद उनको क्या काम वो कर सकते हैं, गो टू वेबसाइट का वाले पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे नीचे व्यू वेबसाइट का बटन भी आएगा, ठीक है। अच्छा, जो आपने प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक ऊपर दिया था ना यहाँ पर, वो यहाँ पे खुद ही शो हो जाएगा, आपको दोबारा से नहीं देना, ठीक है। और उसके बाद कॉल टू एक्शन में आपने व्यू वेबसाइट पर पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपने क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करना है, आपका फॉर्म क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली हमने जितने भी एड्स चलाए होते हैं ना, उन सबके फॉर्म्स यहाँ पे हमें नीचे शो हो रहे होते हैं, पहले जितनी एड्स हमने बनाई है उनके अंदर जितने फॉर्म्स बने हैं ना वो सारे शो हो रहे हैं, और जो अभी हमने बनाया ना फॉर्म वो ये है, ठीक है। इस तरह से हमने अपना पूरा फॉर्म जो इंस्टेंट फॉर्म है ना उसकी सेटिंग हम कर सकते हैं, ताकि हम लीड्स जो है वो कलेक्ट कर सकें किसी भी हाउसिंग एजेंसी के लिए। और जरूरी नहीं कि ये लीड्स हम जस्ट रियल स्टेट के बिजनेस के लिए ही गेट कर रहे हो, ठीक है, ये किसी और बिजनेस के लिए भी हो सकती है। इसकी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स अभी बताती हूँ। अपनी एड रन करनी होती है ना, तो वो भी बेसिकली लीड जनरेशन की एड ही रन करती है, ठीक है। तो उसमें वो उनके पास ऑप्शन होती है कि वो व्हाट्सएप मैसेजेस की एड भी रन कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप मैसेजेस मैसेज पे कोई भी उनको मैसेज करके तो उनसे अपन बुक करवा सकता है, अपनी सीट्स रिजर्व करवा सकता है। लेकिन उसमें ये होता है कि ज्यादातर जो इस तरह से लोग मैसेजेस करते हैं ना, वो लोग भी कर देते हैं जो इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम वो लोग ये लीड जनरेशन वाली एड रन करते हैं, तो इसमें जो लीड्स आ रही होती है ना, तो मोस्टली फॉर्म वही लोग फिल करते हैं जो सीरियस होते हैं इसमें, जो इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे। ये इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी वही देगा जो बेसिकली उस चीज में इंटरेस्टेड भी है, ठीक है। तो इसलिए फिर जो ट्रैवल एजेंसीज के लोग हैं उन्होंने भी जब एड रन करवानी होती है तो उनकी भी लीड जनरेशन की एड्स ही रन हो रही होती है, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद ना स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताना था कि जब लीड जनरेट होती है, मींस लीड्स का मतलब ये होता है कि जो देखो हमारा रिक्वायर्ड डाटा है वो हमारे पास आ गया, मींस के ईमेल एड्रेस, ये फोन नंबर्स जो है वो हमारे पास सेव कहाँ पे होते हैं जाके, ठीक है। वो ये मेटाबिजनेस टूल जहाँ से जो मैंने ओपन किया था, जहाँ से मैंने भी आपको एड्स मैनेजर ओपन करके दिखाया, एड हमने बना स्टार्ट किया ना, उसी के अंदर देखें ये लीड सेंटर भी आ रहा है, ठीक है। लीड सेंटर के अंदर बेसिकली जो है ना सारी लीड जाके सेव हो जाती, जब आपकी एड रन होगी उसके बाद जो आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी ना कि कौन से वाले फोन नंबर्स हैं, मतलब कि लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन पुट की होगी, अपने फोन नंबर्स, अपने ईमेल एड्रेसेस वगैरह, नेम्स वगैरह, तो उन सब की इन्फॉर्मेशन वहाँ यहाँ पे आके सेव हो जाती है। तो आप यहाँ से उसको ना डाउनलोड कर सकते हैं पूरी शीट को, और अपने जो जिन्होंने आपसे अपनी ऐड रन करवाई है ना, फिर उस शीट को डाउनलोड करने के बाद उनको वो शीट दे सकते हैं, ठीक है, ताकि वो कॉन्टेक्ट करें उनसे और फिर उसके बाद नेक्स्ट वो डील कर लें। और ना एक और चीज इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं कि इसके अलावा ना यहाँ पे तो सेव होती है ना, इसके अलावा अगर तो कुछ बहुत ही बड़ी एजेंसीज होती हैं जिनका, तो वो उन लोगों ने ना बेसिकली क्या करना होता है, वो लोग ये करते हैं जैसे बहुत बड़ी हाउसिंग एजेंसी है, अगर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अब 1000 लीड्स ली उन्हें चाहिए थी और एक लीड उन्हें 100 रुपीज की पड़ी, तो उनको कितनी कॉस्ट आ गई, तकरीबन लैक 1 लैक तक तो उन्हें कॉस्ट आ जाएगी। अब उन्होंने जब इतने कॉस्ट पे किए ना, तो उसके बाद वो चाहेंगे कि उनके पास जो लीड्स उनको कंफर्म हो कि जो अब इन लीड से उनके पास अच्छी सेल्स भी आएंगी, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि एक CRM होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना वो इन सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करवाते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर जब हम कोई भी अपने इंस्टॉल करता है, मतलब फेसबुक के साथ कनेक्ट कर देते हैं इसको, और उसके बाद जब ये जो लीड्स आती है ना इनका, फॉर एग्जांपल वो कॉल्स का कॉल नंबर्स हैं, तो ये जो CRM क्या करते हैं, फोन कॉल्स के हर एक फोन कॉल का जो नंबर है ना इसको एक इमेजिनरी नंबर असाइन करते हैं, और वो इमेजिनरी नंबर फिर जो है ना कॉल सेंटर की टीम को दिया जाता है। अब जो कॉल सेंटर की टीम उन इमेजिनरी नंबर्स के ऊपर जो है ना, मतलब उनको कोड नंबर्स, उनको कोड नंबर साइन करते हैं, उन कोड नंबर्स के ऊपर जब वो कॉल करती है ना इमेजिनरी वो कॉल सेंटर की टीम, तो वो रिकॉर्ड, ये जो CRM होते हैं ना ये उन कॉल्स को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो अब जब उन कॉल्स को मैंने रिकॉर्ड कर लिया ना, उसके बाद इन 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 रिकॉर्डिंग्स का फायदा ये होता है कि अगर तो ये जिन एजेंसीज ने अपनी एड के ऊपर इतना ज्यादा खर्चा करवाया है किया है, इसके अलावा उन्होंने जो जिनसे एड रन करवाई है उनको एड रन करने के भी पैसे अलग से दिए, इसके अलावा उन्होंने कॉल सेंटर वालों को अलग से पैसे दिए कॉल करने के, अब उन्होंने इतना खर्च करने के बाद भी अगर तो वो कहें कि मुझे अच्छी मतलब ज्यादा हमारी सेल्स ही नहीं आई अच्छी, तो वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि मेरी इतना ज्यादा एक्सपेंसेस के बाद भी कहाँ पे खराबी है, कि या तो मुझे जिन्होंने एड्स रन किए उन्होंने अच्छी लीड्स नहीं ला कर दी, मीन्स कि उन्होंने अच्छी जो ऑडियंस टारगेटिंग थी वो ठीक नहीं की, और मुझे सही सही लीड्स नहीं आई, कि वो लोग जो कि बेसिकली मेनली इंटरेस्टेड थे उन लोगों ने लीड फॉर्म्स फिल नहीं किया, या फिर ये है कि लीड्स अच्छी हैं लेकिन जो कॉल सेंटर की टीम है ना उन लोगों के पीछे अच्छी नहीं है, तो लोगों को कन्विंस करने की, मतलब उन लोगों ने अच्छे से बात ही नहीं की, लोगों को कन्विंस ही नहीं अच्छे से किया कि वो उनकी सर्विसेज लें, ठीक है। तो ये दोनों सिचुएशंस हो सकती है ना, तो इसके लिए फिर जब वो कॉल CRM के पास सारी कॉल्स रिकॉर्डेड हैं और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो क्या करेंगे, वो पहले कॉल्स का जो रिकॉर्डिंग है वो सुनेंगे कि उन्हें पता चले कि बेसिकली प्रॉब्लम वो कॉल्स में थी या लीड्स में थी, अगर तो वो कॉल्स में प्रॉब्लम है तो वो फिर कॉल सेंटर की टीम को कॉन्टेक्ट करेंगे कि आपने सही कॉल नहीं की, तब सही पिच के साथ आपने कॉल नहीं की, और अगर तो वो कॉल्स अच्छी हुई है सही हुई है लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन्हें अच्छी सेल्स नहीं आई, तो फिर वो अपने जिनसे उन्होंने एड्स रन करवाई है फिर वो उनसे बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से फिर वो जो बड़ी एजेंसीज है वो CRM जो सॉफ्टवेयर है वो करवाते हैं इंस्टॉल और उनके थ्रू काम करवाते हैं, और वैसे अगर अदरवाइज बाकी जो है ये सारा काम CRM के बगैर भी हो जाता है। CRM असल में ऑटोमेशन के लिए होता है कि जस्ट अपने कॉल्स की रिकॉर्डिंग हो जाती है, फिर अगर ईमेल एड्रेसेस आपके पास आ गए हैं तो वो ईमेल को ऑटोमेशन पर लगा देते हैं कि एक ईमेल उनको दे देते हैं CRM के थ्रू,
फिर वो एक ही ईमेल सारे ईमेल एड्रेसेस पे सेंड हो जाती है सेम, मतलब हर एक अलग अलग जाके आपको सेंड करने की जरूरत नहीं, वो सीआरएम करेगा सेंड, ठीक है। तो ये ऑटोमेशन के लिए होते हैं सीआरएम, तो इसके बगैर भी काम हो जाता है। अगर आप ये नहीं यूज करने सीआरएम, तो जस्ट आपने ऐसे ही अपनी एड रन कर लेनी है, और एड रन होने के बाद जो लीड्स का डाटा है वो यहाँ से डाउनलोड करना है, और अपने का जो जिन्होंने एड आपसे रन करवाई है उनको दे देना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आप किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है ना, तो वो जल्दी से पूछ, ये स्टूडेंट्स अगर तो क्लियर है ना तो मुझे क्लियर का मैसेज कर दें, और अगर कोई क्वेश्चन है ना तो मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में पूछ लें, अदरवाइज फिर मैं आगे चलती हूँ क्योंकि हमारे क्लास का टाइम भी। अच्छा, अब देखिए जो हम आज हमने बेसिकली अपना जो मेटा बिजनेस सूट है ना, इसकी जो ऑप्शंस रहे, ये सारी ऑप्शंस हैं हमने इनको कवर करने हैं। तो इस ये मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है जो मेनली, मतलब जो इम्पोर्टेंट है ना, वही पर वो सारी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हमारा बिजनेस मैनेजर का काम रह जाएगा, वो मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आपने किसी एज अ एजेंसी आपने किसी और की एड्स रन करनी है ना, तो उसके लिए आपको उनके पेजेस की एक्सेस लेनी पड़ेगी, और फिर आप करोगे रन, और वो एक्सेस हम बिजनेस मैनेजर के थ्रू लेते हैं। तो वो इसके बाद हमारा एड्स मैनेजर को कंप्लीट करने के बाद हमारा जस्ट वो बिजनेस मैनेजर बनाने वाला काम रह जाएगा, ठीक है। तो अभी हम जल्दी से ये देख लेते हैं। देखिए ये मेटा बिजनेस सूट जो है ना, इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ये होम की है। अगर आप होम पे क्लिक करें, ये जो आपका पेज है ना, जिस पेज की आप बेसिकली एड्स वगैरह रन करना चाह रहे हो, आप पहले यहाँ जब आपने प्रोफाइल ओपन की वहां से उस पेज को ओपन करोगे, उसके बाद आप मेटा बिजनेस सूट पे जाओगे, तो यहाँ पे वही वाला पेज शो। आप देखिए यहाँ पे ना ऑप्शन, होम पे जाने के बाद क्रिएट पोस्ट के ऑप्शन आते हैं, मीन्स कि आप या तो अपने पेज के अंदर से भी पोस्ट को क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से भी पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ से आप एड भी क्रिएट कर सकते हैं, रील्स भी क्रिएट कर सकते हैं, स्टोरीज भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप लाइव भी जा सकते हैं, और बल्क में भी अपलोड कर सकते हैं। बल्क में अपलोड करने का मतलब इकट्ठे आप एक से ज्यादा जो है ना रील्स या वीडियोस वगैरह अपलोड। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे आप ऐसे कोई भी अपने जो है रील अपलोड करने के लिए, अच्छा देखिए यहाँ से जब ये पूरा अपलोड हो जाए ना, उसके बाद आप यहाँ पे एड रील पे क्लिक करोगे, यहाँ से नेक्स्ट रील को भी अपलोड करके और इकट्ठा पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। तो इसके कहते हैं बल्क में अपलोड करना, मीन्स आप यहाँ से एक से ज्यादा रील्स या एक से ज्यादा वीडियोस इकट्ठी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अब इतना ये बहुत ज्यादा स्लोली हो रहा है अपलोड, तो इसलिए मैं इसको बैक करके आपको आगे समझा देती हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना ये नोटिफिकेशंस हैं, आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको जो जैसे हम फेसबुक पर फाइल के ऊपर एक बेल आइकन शो हो रहा होता है, उसके ऊपर सारे नोटिफिकेशन शो हो रहे होते हैं ना, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपके जो इस पेज के नोटिफिकेशन है ना, वो भी यहाँ पे शो हो जाएंगे। मीन्स कि आप अपने जो पेजेस है ना, फेसबुक पेजेस, उनको प्रोफाइल उन पेजेस को ओपन करके उन पेजेस के अंदर जाके पोस्ट को क्रिएट कर सकते हो, पोस्ट स्टोरीज रील्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो, और नोटिफिकेशंस वहां से भी देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ से मेटा बिजनेस सूट से भी देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये एक इनबॉक्स को भी देखें, यहाँ से ना आप मैसेंजर के मैसेजेस भी देख सकते हैं, इसके अलावा इंस्टाग्राम के मैसेजेस भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से इंस्टाग्राम को ओपन करके उसके मैसेजेस को नहीं करना पड़ेगा, बस हमने कनेक्ट करना है इंस्टाग्राम को अपने फेसबुक के साथ, जैसे मैंने आपको पहले कनेक्ट करना सिखाया था, ठीक है। तो हमने कनेक्ट कर लेना, तो फिर आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम के मैसेजेस भी शो हो जाएंगे, फेसबुक के कमेंट्स भी यहाँ पे शो हो जाएंगे, और इंस्टाग्राम के भी, मतलब जिस भी पोस्ट पे कोई कमेंट आएगा न्यू, तो वो यहाँ पे आपको शो होंगे। तो आपको बेसिकली वो पेज ओपन, फेसबुक पेज ओपन करके उसके मैसेजेस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही इंस्टाग्राम को ओपन करके उसके मैसेजेस को देखने की जरूरत पड़ेगी। आप डायरेक्टली यहाँ से मेटा बिजनेस सूट के थ्रू यहाँ से आप मैसेजेस देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद है कंटेंट। अच्छा, कंटेंट में देखें जो आपने कंटेंट पब्लिश किया हुआ वो यहाँ पे शो होता है। इसके अलावा जो आपने शेड्यूल किया हुआ, मतलब आपने जैसे मैंने आपको प्लानर के थ्रू शेड्यूल करना सिखाया था ना, कि हम पूरे वीक की पोस्ट को इकट्ठा शेड्यूल कर सकते हैं, इसके अलावा पूरे मंथ की पोस्ट को भी शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो आपने शेड्यूल किया होगा कंटेंट वो शो हो जाएगा ड्राफ्ट में, मतलब जो आपने आपने ना शेड्यूल नहीं किया, ड्राफ्ट में जस्ट सेव किया हुआ वो भी आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपने कोई इवेंट क्रिएट किया हुआ है, तो उसके आपने डेट्स वगैरह लगाई होंगी कि इस डेट को ये इवेंट होगा, और अगर वो एक्सपायर हो, मतलब वो डेट खत्म होने वाली है, वो मतलब खत्म हो चुकी है उस इवेंट की, तो वो एक्सपायर्ड में आ जाएगा, अगर नहीं हुई तो वो अभी होने वाली है तो एक्सपायरिंग में, ठीक है। इस तरह से ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा प्लानर है, प्लानर के थ्रू आप जैसे मैं आपको पहले सिखाया हुआ है कि आप प्लान कर सकते हो कि मैंने इस डेट में
ये वाली चीज जो है ना, पोस्ट को इस डेट पे शेड्यूल करना, और मतलब डिफरेंट डेज में डिफरेंट पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने एक डे पे क्लिक किया था तो उसके ऊपर ये शेड्यूल पोस्ट का ऑप्शन आ गया कि 7 अगस्त में मैंने क्लिक किया था, तो वो पूछ रहे हैं कि इस पे हमने पोस्ट को शेड्यूल करने है। तो फिलहाल हम अगर आपने जब करना हो तो फिर आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे, ठीक है। और टाइमिंग भी आप चेंज कर सकते हैं कि हमने किस टाइम पे करना। अब मैंने सेव पे क्लिक किया, अब वो ये पूछ रहे हैं कि आपने कौन सी पिक्चर ऐड करनी है, टेक्स्ट क्या ऐड करना है, जो आप पोस्ट को जिस पोस्ट को आप शेड्यूल करें उसके बारे में। ये मैंने आपको पहले काम करके भी दिखाया हुआ है, ये जस्ट अब ये ऑप्शंस में दोबारा से आ जाए तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा जो एड्स है ना, ये एड्स वाले सेक्शन में जाके अपनी एड्स को क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट एड पे क्लिक करके, ठीक है। इंसर्ट्स में क्या होता है, बेसिकली ये शो करता है कि आपको जो पेज है उसके ऊपर कितने इंप्रेशन आए हैं, कितनी रीच आई है। बेसिकली हमारा तो न्यू पेज था जो हमने इसी क्लास में जस्ट आपको समझाने के लिए बनाया था, तो इसलिए इसके ऊपर इंप्रेशन रीच इतनी ज्यादा नहीं है। तो वो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि कितने इंप्रेशन आए, कितने रीच है, कितने फॉलोअर्स हैं, कितने लिंक क्लिक्स हुए हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारा डाटा जो है ना आपको अपने पेज के बारे में यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा कितने मैसेजेस के बारे में डाटा जो है वो भी यहाँ पे आपको इंसर्ट्स में मिलेगा, ठीक है। मतलब इसके बाद देखें, ये ना ऑल टूल्स का ऑप्शन है, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें हैं जो चीजों की सेटिंग्स हो सकती हैं। जैसे अब देखें, हमने यहाँ पे ना बेसिकली कंटेंट देखा था ना, वैसे ही ना एक ये ऑल टूल्स है, इसके अंदर भी ये कंटेंट का ऑप्शन आ गया। दोनों सेम है, मतलब उसमें भी आपको ये शो होता था कि आपको पास आपने कौन सा कंटेंट पब्लिश कर दिया, कौन सा शेड्यूल्ड है, कौन से आपने ड्राफ्ट में सेव किया हुआ है। और इसमें भी अगर आप जाएंगे ना तो सेम वही चीजें ही आपको शो होंगी, मतलब दोनों जगह से सेम चीजें को रीच कर रहे हैं। देखिए, मैंने यहाँ से क्लिक किया था ना ऑल टूल्स में से जाके कंटेंट पे क्लिक किया, लेकिन बेसिकली वो सिलेक्ट यही कंटेंट हुआ हुआ है, ठीक है। ये शो कर रहा है कि वही वाला कंटेंट ही है जो यहाँ पे है, वही वाला इधर है, इधर से क्लिक करके भी वही ओपन होगा, ठीक है। इसके अलावा इनबॉक्स है, इनबॉक्स भी वही वाला है जो यहाँ से हुआ था। अगर मैं इधर से इनबॉक्स पे क्लिक करूंगी तो सिलेक्ट ये वाला इनबॉक्स भी इधर से सिलेक्ट हो गया, मीन्स के दोनों सेम है, ठीक है। लीड सेंटर है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो आप लीड जनरेशन की जब आप एड रन करते हैं तो उसके अंदर जो लीड्स आती हैं, मतलब जो डाटा कोई भी आपको पास आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देता है, वो आपके पास लीड सेंटर में जाके सेव हो जाता है, ठीक है। ये देखिए, लीड सेंटर, ये लाइव डैशबोर्ड है, यहाँ से आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, सेटअप लाइव स्ट्रीम, यहाँ से आप लाइव जा सकते हैं अपने फेसबुक पेज के ऊपर, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये मीटिंग का टाइम ओवर होने लगा, तो उसके बाद 5 मिनट्स बाद मैं आपको न्यू लिंक सेंड करती हूँ कि हम इसको कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, ठीक है, यानी लाइव आप जा सकते हैं अपने जो ऑडियंस है उनसे लाइव आप बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा हमने पेज पोस्ट प्लानर भी देख लिया था, और साउंड कलेक्शंस पे, हम साउंड कलेक्शन के थ्रू क्या होता है, फेसबुक के पास ना कुछ साउंड की कलेक्शन होती है, हम उसमें से कोई भी साउंड चूज करके अपनी पोस्ट पे लगा। ये देखिए, यहाँ से ना बहुत सारी उन्होंने साउंड दी हुई है, साउंड के इनमें से हम कुछ भी चूज करके अपने किसी भी कंटेंट वगैरह पे वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जी, ये देखिए, जब आप हमने एक एड रन कोई भी आपने एड्स रन की, तो उनके रन करने के बाद आपको रिपोर्ट यहाँ पे आप मिलेगी कि आपकी ऐड से कितनी रीच आई है, यानी कितने ज्यादा लोगों तक वो ऐड पहुंची है, इंप्रेशंस कितने आए हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या थी, ठीक है, और कितनी देर तक वो ऐड रन होती रही है। इस तरह से ये सारी चीजें आप लोगों को यहीं से आप मतलब एनालाइज कर सकते हो अपनी ऐड के बारे में, एक रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर कर। यहाँ से देखिए, क्रिएटिव रिपोर्टिंग, इसके अंदर आप अपने क्रिएटिव को के बारे में देख सकते हैं कि आपके क्रिएटिव से क्या रिजल्ट्स आए। क्रिएटिव, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपकी मेन एड रन होती है ना, तो इसके अंदर आपका इमेज, उसकी प्राइमरी टेक्स्ट, उसकी हेडलाइंस वगैरह सब कुछ जो शो हो रहा होता है आपके ऑडियंस को, उसका क्या रिजल्ट आया वो आपको शो होता है यहाँ से क्रिएटिव रिपोर्ट से, ठीक है। तो इसमें ये शो होता है कि कोस्ट पर 1000 इंप्रेशंस कितना है। इंप्रेशन का मतलब होता है कि एक मतलब एक जो एड है ना वो एक शख्स को कितनी मरतबा शो हुई है। तो अब वो अगर फॉर एग्जांपल एक पर्सन को आपके पेज के ऊपर एक मतलब एड शो हुई, उसने स्क्रॉल अप किया और फिर दोबारा से उसने स्क्रॉल डाउन किया तो उसको दोबारा से एड नजर आई वहां पे, तो ये 2 इम्प्रेशन हो जाएंगे, ठीक है। अब इस तरह से 1000 इम्प्रेशन की कितनी कॉस्ट रही है, और टोटल इम्प्रेशन कितने हैं, और कॉस्ट क्लिक थ्रू रेट कितना है, तो ये सारी चीजें जो है ना मतलब इनके जो रिजल्ट्स हैं, इनका जो डाटा है वो आप किया
अभी यहाँ पे बेसिकली हम टेस्ट कर रहे होते हैं मुख्य चीजों को, जैसे हमने ए बी टेस्टिंग देखा था ना कि हम डिफरेंट ऑडियंस को भी टेस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा हम डिफरेंट क्रिएटिव्स को भी टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट में देखते हैं कि हमें किस कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स का डाटा हमें शो कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी ए बी टेस्टिंग का डाटा भी आपको शो कर सकता है, करेगा होगा। इसके अलावा ब्रांड लिस्ट, ब्रांड लिस्ट का मतलब क्या होता है कि आपने अपने ब्रांड को कितना ज्यादा इन्हांस किया है अपनी एड्स के थ्रू, उसकी अवेयरनेस कितनी ज्यादा की है, उसको रिकॉल कितना करवाया लोगों को, और कितना ज्यादा कंसीडर किया लोगों ने, और उसके ऊपर लोगों ने कितना ज्यादा एक्शन लिया, ठीक है। इसके अलावा कन्वर्जन लिस्ट, यानी कन्वर्जन क्या होता है, बेसिकली आपकी जो एड है उसके ऊपर कितनी जो आपका रिक्वायर्ड एक्शन थे वो कितने परफॉर्म हुए, मीन्स अगर आपका रिक्वायर्ड एक्शन था कि उसके ऊपर इंगेजमेंट इंक्रीज हो, या फिर आइडिया था कि उसके थ्रू आप लोग जो है वो आपको ज्यादा मैसेजेस करें, तो अगर तो मैसेजेस ज्यादा है तो इसके मतलब कन्वर्जन जो है वो मैसेजेस की सूरत फॉर्म में हुई है। तो कितने ज्यादा मैसेजेस आए हैं आपको अपनी एड रन करने से, या कितने ज्यादा आपको इंगेजमेंट आई है, ये सारी चीजें जो है वो कन्वर्जन लिस्ट में आएंगी, ठीक है। तो हम यहाँ से इनका डाटा टेस्ट मतलब एक्सपेरिमेंट्स के बाद इनका डाटा चेक कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे इन साइट्स के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि हमारे पेज के ऊपर कितने इंप्रेशंस, रीच कितनी आई है, और इसके अलावा फॉलोअर्स कितने हैं, और इसके अलावा हम यहाँ से अपने मैसेजेस भी देख सकते हैं कि कितने ज्यादा कितने मैसेजेस आए हैं हमें हमारे पेज के ऊपर, ठीक है। देखिए मेटा ब्रांड कोलेब्रेशन कोलैब्स मैनेजर है, इसके अंदर ये होता है कि अगर आपने अपने फॉर एग्जांपल किसी ब्रांड के साथ कोलेब्रेशन करना है, और आप उनके साथ मिलके अपनी कोई एड्स रन कर रहे हैं, या उनके साथ मिलके कुछ पोस्ट जो है वो शेयर कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे देखिए, जैसे इन्होंने पूछा एंटर द नेम ऑफ योर पार्टनर, यानी जिनके साथ आप कोलेबोरेशन करना चाह रहे हैं ना, आप उनका नेम शो करें, और फिर यहाँ पे ही बताएं कि आप जिस पोस्ट को के ऊपर आप एड रन करना चाह रहे हैं वो फेसबुक की है या इंस्टाग्राम की है, या फिर कौन सी वाली पोस्ट है जिसके आप कोलेबोरेटरी मतलब मिलकर दोनों रन करना चाह रहे हो, ठीक है। अच्छा, ट्रैफिक एनालिसिस रिपोर्ट है, इसमें आपको ये बताया जाता है बताते हैं फेसबुक के आपके पेज के ऊपर जो ट्रैफिक है ना वो कहाँ कहाँ से आ रही है, किन कंट्रीज से आ रही है, किस जगह से आ रही है, जो ऑडियंस है, और बिलिंग्स एंड पेमेंट्स से यहाँ से बेसिकली आपको शो करता है फेसबुक इस के अंदर कि आपका जो है जो आपने एड्स रन किए उनका बिल कितना बना, और आपने कितना बिल किस कार्ड से पे किया, ये उन्होंने शो किया कि आपके कौन कौन से अकाउंट्स जो है वो एक्टिव है, और उसके अलावा आप इनकी पेमेंट्स जो है वो कैसे पे कर सकते हो, कैसे पे करोगे। अभी हमने फिलहाल पेमेंट मेथड ऐड ही नहीं किया हुआ, अगर तो आपने किया होगा ना तो फिर आपको यहाँ पे वो शो करेगा कि किस हर एक के अंदर जो आपने करंटली हर एक क्या जो है कितनी पेमेंट कर दी हुई है, और कितनी आपने एड्स रन की है, उसके मुताबिक सारा डाटा आपका शो हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा देखिए यहाँ से ब्रांड राइट्स प्रोटेक्शन है, ये देखिए जो जो से ब्रांड्स होते हैं ना जिन्हें अपने आपको रजिस्टर करवाया होता है, ट्रेडमार्क होता है ना उनके पास, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब वो जब अप्लाई करेंगे यहाँ पे, और फिर उसके बाद उनको अप्रूव हो जाएगा कि वो रजिस्टर्ड ब्रांड है ना, तो उसके बाद फेसबुक चेक करता रहेगा कि कोई और ऐसा पेज तो नहीं है जो उनके ब्रांड के नेम के साथ चल रहा है, या फिर मतलब जो लोग उनके ब्रांड को कॉपी कर रहे हैं, उनके कंटेंट को कॉपी हमारे मतलब हमारे कंटेंट को कॉपी कर रहे हैं, हमारे ब्रांड को कॉपी कर रहे हैं, उनका डाटा भी फेसबुक हमें उससे अवेयर करता रहेगा, ठीक है। तो वो ये उसके लिए है कि अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है तो फिर आप उसके इसके लिए अप्लाई करोगे ब्रांड राइट्स प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। जैसे हमने ये ब्रांड सेफ्टी एंड सूटेबिलिटी पहले देखा था कि हम लोग कहाँ पे अपनी एड्स को शो नहीं करवाना चाहते, यानी कुछ ऐसे फेस पेजेस होते हैं जहाँ पे बहुत नेगेटिव जो लोग मतलब लोग जो होते हैं ना बहुत नेगेटिव किस्म के कंटेंट्स को अपलोड कर रहे होते हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारी एड्स वहाँ पे भी शो हो, तो फिर हम लोग यहाँ से उसको ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ब्लॉक लिस्ट खुद से ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये होता है कि हम स्टार्टिंग में अपनी ऐड रन करके देख लेते हैं 3-4 दफा, और उसके बाद फिर जब हमने ऑडियंस का डाटा हमारे पास आ जाता है कि ऑडियंस कहाँ कहाँ से आ रही है हमारे पास, किन पेजेस से आ रही है, उसके बाद हम टेस्ट करने के बाद देखते हैं कि कौन से पेजेस है जिनपे बहुत ज्यादा नेगेटिव कंटेंट है, तो फिर हम अगले नेक्स्ट टाइम ऐड जब रन करते हैं ना तो तब हम उनके जो यूआरएल्स है ना उनको ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं, ताकि हमारी ऐड नेक्स्ट टाइम वहाँ पे शो ना। अच्छा, इसके बाद देखिए बिजनेस एप्स होती हैं कुछ, जैसे अगर हम अपने फेसबुक के ऊपर पेजेस के ऊपर ही अपॉइंटमेंट्स वगैरह देना चाहते हैं ना किसी को, तो उसके लिए ये एप्स हैं, इसके अंदर ये बहुत सारी एप्स शो हो रहे थे, इनमें से आप किसी भी ऐप को ना इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ये देखें यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग
सॉफ्टवेयर फॉर हेयर एंड ब्यूटी सैलून्स, यानी अगर हेयर एंड ब्यूटी सैलून्स है ना, तो वो लोग उनके अगर आपने एड फेसबुक पेजेस रन करने हैं, उनके पेजेस के ऊपर ये जो है ना वो अपॉइंटमेंट भी बुक करवानी है लोगों ने, तो फिर आप ये ऐप रन जो है ना इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेस के लिए हैं, तो जिस टाइप का जिसका बिजनेस होगा ना, उस टाइप की वो ऐप को आप इंस्टॉल कर लेगा अपने फेसबुक पेज के ऊपर, और फिर अगर किसी ने उनसे कोई अपॉइंटमेंट बुक करवानी है तो वो इन सॉफ्टवेयर के थ्रू। अच्छा, अब जो है ना, जो मतलब बेसिक मेन ऑप्शन सी जो ज्यादातर यूज होती है वो तो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा यहाँ से आप स्टोर लोकेशंस भी ऐड कर सकते हैं, मतलब आपके अगर तो आपका पास फिजिकल स्टोर है ना, तो आप उसकी लोकेशंस भी लोकेशन जो है वो दे सकते हो कि यहाँ जिसको लोग विजिट। अच्छा देखिए, वो पेज के ऊपर मेनली प्रोफाइल पिक्चर वगैरह नहीं है, इसलिए वो उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आप अपने स्टोर की लोकेशन वगैरह नहीं डाल सकते, तो उसके लिए पहले अपने पेज आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। उसके मतलब आप पेज के ऊपर जो है आप कवर पिक्चर लगा लें उसकी, और उसका डीपी वगैरह लगा लें, उसके ऊपर थोड़ी पोस्ट वगैरह करें, उसके बाद फिर आप अपने स्टोर की लोकेशन वगैरह डालेंगे, ठीक है। एड्स के ऑप्शन है, यहाँ से आप एड क्रिएट भी कर सकते हैं, एड मैनेजर से भी आप एड्स क्रिएट कर सकते हैं। और बेसिकली हमने अभी तक जितनी भी एड्स रन की है वो हमने एड्स मैनेजर से की है, ठीक है। तो इसके अलावा देख आप ना, यहाँ इवेंट मैनेजर है, यहाँ से आप ना कोई इवेंट जनरेट कर सकते हैं, जैसे आप कोई भी फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन इवेंट करना है, आपने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस करनी है, वो आप जनरेट कर सकते हो, या फिर अगर कोई फिजिकल इवेंट है तो उसको भी आप अपने पेज के ऊपर मेंशन करना चाहते हैं, तो आप इवेंट का नेम लिखते दें और उसकी डेट वगैरह दे मेंशन कर दें। इस तरह से आप यहाँ से इवेंट मैनेजर के थ्रू अपने जो है ना इवेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, न्यू इवेंट्स को मैनेज भी कर सकते हैं। और यहाँ से जैसे हमने इंस्टेंट फॉर्म अपना लीड जनरेशन फॉर्म की एड के अंदर जाके बनाया था ना, वैसे हम यहाँ से इंस्टेंट फॉर्म बहुत सारे क्रिएट करके रख सकते हैं, और फिर वो वाले इंस्टेंट फॉर्म्स को हम जब कोई भी लीड जनरेशन ऐड बनाएंगे ना, उसके अंदर वो शो ना वो फॉर्म यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। यहाँ से हम ना ये देखते हैं क्रिएट फॉर्म के थ्रू, यहाँ पे पहले की फॉर्म्स क्रिएट करके रख सकते हैं, और बाद में जब हम किसी के ऐड रन करें तो हम वहाँ पे वो फॉर्म यूज कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे सेव किया था। इसके अलावा हम अपॉइंटमेंट्स भी ले सकते हैं, मतलब बुक कर सकते हैं, तो ये मेनली। और इसके अलावा यहाँ से ना हम सर्विसेज भी ऐड कर सकते हैं अपने पेज के ऊपर जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये कुछ मेन मेन चीजें थी जो हम यहाँ पे बेसिकली यूज करते हैं। तो इस यहाँ पे फिर मेटा बिजनेस सूट के जो मेन ऑप्शन थी वो तो मैंने आपको बता दिए। तो अपना क्लास का टाइम भी खत्म हो रहा है, तो कल हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, यहाँ से बाकी जो हमारा काम रह गया वो कंप्लीट करेंगे। तो वहाँ तक जो है ना आप लोग इसको थोड़ा सा देखिएगा, कल इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट जो है ना हम कंटिन्यू करेंगे अपना, बाकी जो काम है वो फिनिश करेंगे। और मैंने आपको जैसे क्लास के स्टार्ट में अनाउंस किया था कि हमारी नेक्स्ट वीक जो है ना वो लास्ट क्लास होगी, ये तो इस वीक में हमारी ये जो 2 क्लासेस हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट वीक है ना 13 अगस्त को हमारी लास्ट क्लास होगी। और फिर जिन स्टूडेंट्स ने सॉफ्ट स्किल सीखने के लिए अप्लाई किया था वो मुझे व्हाट्सएप पे बता दें कि उन्होंने सॉफ्ट स्किल्स के लिए अप्लाई किया था, तो उन्होंने ऑनलाइन लेनी है सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस, तो मुझे व्हाट्सएप पे बता दें। और अगर किसी ने अप्लाई नहीं किया था पहले लेकिन अगर अब सीखना चाह रहा है तो वो भी मुझे बता दें, ठीक है। तो अब टाइम जो है वो ओवर हो गया क्लास का, तो इंशाल्लाह कल मैं जो है ना नेक्स्ट आगे से आपको बताऊंगी, बाकी जो हमारा काम रह गया वो इंशाल्लाह कल खत्म। मैं मीटिंग लीव कर देती हूँ, तो कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लें। और इसके अलावा आप मुझे ये जरूर आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा कि जिन लोगों ने सॉफ्ट स्किल्स सीखनी है वो मुझे बता दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है।